नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विद रॉनिक। चलिए दोस्तों, आज की शुरुआत करते हैं। आज की शुरुआत करने से पहले हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं प्रार्थना करता हूं भगवान गणेश जी आपके जीवन में मंगलकर्ता बने, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाएं और आप इसी तरह अपने वेल्थ को डबल ट्रिपल करते रहें और इसी तरह प्रॉफिट करते रहें मार्केट के द्वारा। और अगर आपने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। आज गणेश चतुर्थी के उपलक्ष्य में तो मार्केट बंद रहेगा, बट एक ऐसा शेयर है जिसमें मुझे लगता है कि आने वाले 21 साल के अंदर ये मल्टी बैगर साबित होगा और डेफिनेटली ये मल्टी बैगर शेयर है। तो समझते हैं क्या कंपनी है, कौन सा शेयर है, और वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता था, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा कि वीडियो को समझिए, क्योंकि शेयर को समझने में क्योंकि पैसा आपका लगता था, उसको शेयर को समझना चाहिए आपको, क्यों आप बाय कर रहे हैं, क्या इस कंपनी की क्या ग्रोथ है, ये सबको समझना चाहिए। और मैं आपको पूरा ओवरव्यू दूंगा, एनालाइज करके दूंगा कि कंपनी किस तरह से अब ट्रेंड की तरफ जाएगी, कंपनी का बिजनेस क्या, ये सब चीज़ें मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ। इसलिए बताता हूँ क्योंकि शेयर लेने से पहले आपको पता होना चाहिए किस कंपनी के अंदर, किस सेक्टर के अंदर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आज 10 सितंबर है और टाइम हो रहा सुबह के 7 बज रहे हैं और मार्केट वाला तो आज ऑफ रहेगा। तो समझते हैं कि कंपनी क्या है, कंपनी किस सेक्टर में है, ये भी समझते हैं। और क्या डेफिनेटली मल्टी बैगर होगा, 101% ये कंपनी मल्टी बैगर घोषित साबित होगी, क्योंकि इस कंपनी का जो रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है, चलिए समझते हैं पहले, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब शुरुआत करते हैं। तो ये मैंने कंपनी का ओपन कर लिया है, ये मैंने दिव्यानी, कंपनी का नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, कंपनी का नाम है दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड, ये कंपनी की वेबसाइट मैंने ओपन कर लिया है। तो कंपनी का बेसिकली काम क्या है, कंपनी का काम है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, यानी कि क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। आपने कुछ नामी ग्रामी रेस्टोरेंट के नाम सुनेंगे क्विक सर्विस वाले, जिनमें आता है KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ठीक है, ये आपने नाम सुनेंगे, ये हर जगह आपने देखा भी होगा KFC, पिज़्ज़ा हट। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी इनकी फ्रेंचाइजी लेके अपने खुद के स्टोर रेस्टोरेंट रन कर रही है, ठीक है। ये देखिए कंपनी की वेबसाइट पे लिखा भी है, ये लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी ऑनर है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो यम ब्रांड मतलब क्या होता है, जैसे पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, ये यम ब्रांड में आता है और यम ब्रांड के साथ भी इनका टाइप है, ठीक है। और कितने ओपन स्टोर ओपन करे इन्होंने, 655 स्टोर ओपन किए हैं 155 सिटी के अंदर इन इंडिया, ठीक है। 31 मार्च 2021 तक इन्होंने इतने स्टोर ओपन कर लिए हैं, पेंडेमिक के चलते हुए भी इन्होंने स्टोर ओपन किए, ये समझते हैं, ठीक है। तो ये KFC, पिज़्ज़ा हट, कोस्टा कॉफ़ी, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन नहीं करना। और इनके दो ब्रांड अभी खुद इन्होंने लॉन्च करे हाल ही फ़िलहाल में, एक ब्रांड का नाम है वेंगो, ठीक है, दूसरा है द फूड स्ट्रीट, ये दो ब्रांड इनके ओन है और बाकी ये तीन के फ्रेंचाइजी लेके चलते हैं, ठीक है। तो कंपनी के ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं, देखिए कोस्टा कॉफ़ी के बारे में भी, KFC, ठीक है, पिज़्ज़ा हट, इनके बारे में एक्सप्लेन करना हर किसी को ज़रूरत नहीं, कि KFC क्या फूड आइटम है, कोस्टा कॉफ़ी के अंदर कॉफ़ी है, वेंगो के अंदर पूरा साउथ इंडियन और इंडियन फूड है, ठीक है, ये द फूड स्ट्रीट के अंदर पूरा इंडियन फूड है। तो ये पूरा ओवरव्यू हो गया कंपनी का, ठीक है, आपने समझ लिया कि भाई दिव्यान इंटरनेशनल वर्क क्या करती है, ठीक है। आज से पहले आपको नहीं पता था क्योंकि कंपनी हाल ही फिलहाल में रजिस्टर्ड हुई है NSE BSE के अंदर। तो ये है कंपनी का ओवरव्यू, कंपनी फ्रेंचाइजी लेती है, ठीक है, यम ब्रांड के अंदर, लार्जेस्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो कंपनी का काम यह है, क्योंकि ये ऐसे जुबिलेंट फूड वर्क भी स्टार्टिंग में ऐसे ही आया था, वो भी आगे चल के बहुत अच्छे उसके अब ट्रेंड देखने को मिले। अब देखिए अब मैं इसका गूगल पे दिव्यानी इंटरनेशनल का ओपन कर लिया है मैंने गूगल पे। अब समझते हैं दिव्यानी इंटरनेशनल का ओवरव्यू क्या है अभी तक का, जब से रजिस्टर्ड हुआ है। तो कंपनी फाउंडेड होती है 13 दिसंबर 1991, सेम डे, ठीक है, 13 दिसंबर 1991 को कंपनी फाउंडेड होती है, इंडिया से है, ठीक है। 91 से कंपनी रनिंग में है, आप समझ सकते हैं कितने टाइम से रनिंग में, और कंपनी का फ्यूचर है, कंपनी का भी भागने वाले नहीं है। IPO लेट आया बट कंपनी का फ्यूचर है, कंपनी लंबे समय से रनिंग में है।
तो अब समझते कंपनी ये कल की डेट में यानी 9 सितंबर को इनने कितने पर ओपन हुआ, 121 पर ओपन हुआ था। हाई मारता 122.20 पैसे का, लो मारता 120.5 पैसे का, ठीक है। फिर भी ये 40% की गिरावट के साथ बंद हुआ है, 50% की गिरावट के साथ ये बंद हुआ है, ठीक है। इसका 52 हाई जो आ रहा अभी तक का 140.90, 52 लो आ रहा है 107.55, ठीक है। ये इसका 5th ओवरव्यू हो गया कंपनी का, ये तो अब मैंने बता दिया। अब आईपीओ देखते हैं, आईपीओ कितने पे आया था, कितने पे रजिस्टर्ड हुआ था, क्या समझते हैं। ये आईपीओ आया था 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में। मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी इसमें 14,190 रुपये की। लॉट साइज इसका जो आया था 165 का आया था, और प्राइस रेंज जो आया था, देखिए प्राइस रेंज जो आया था इसका 86 से लेकर 90 के बीच में, ठीक है। और इशू साइज आया था 1838 करोड़ रुपये का। और जिस दिन ये लिस्ट होता है, ठीक है, 90 रुपये पे लिस्ट, टोटल इशू कितने हुए थे, इशू हुआ था 90 रुपये, ठीक है, 90 रुपये पे इशू हुआ था। बट ये लिस्टिंग हुआ था 141 पे, फर्स्ट डे ही इसने 56% की तेजी के साथ ये लिस्ट हुआ था। देखिए इशू हुआ था, जो प्राइस इशू हुआ था शेयर का आईपीओ के अंदर, 90 रुपये का हुआ था और लिस्टिंग 141 रुपये पे हुआ था। देखिए फर्स्ट डे ही इसने 56% की तेजी के साथ ग्रोथ दिखाई थी इसने, ठीक है। और भी समझ बताता हूँ मैं आपको। अभी ये मैं स्कैनर के साइड पर आ गया हूँ। अब कंपनी का बिजनेस समझ लेते हैं। लास्ट 3-4 साल से क्वार्टरली क्वार्टर कंपनी करके आ रही है, क्या ये इस कंपनी के लगता है कि कंपनी और भी अच्छे क्वार्टर रिजल्ट देगी, ईयर ईयर प्रॉफिट देगी, तो इसमें इन्वेस्ट करके हम रख सकते हैं अपने शेयर पोर्टफोलियो के अंदर शेयर को, समझते हैं। तो मार्केट कैप है इसका 14,472 करोड़ रुपये का। ROCE इसका 9.10% है। इसकी बुक वैल्यू कम है इसकी, यानी 0.95 इसकी बुक वैल्यू है। इसकी फेस वैल्यू देखिए 1 रुपये की फेस वैल्यू पर है ये, ठीक है। ये तो कंपनी का ओवरव्यू हो गया। तो कंपनी तो मैंने आपको बता दी किस में है, ठीक है। अब देखिए कंपनी का ये मैं ईयर ईयर वाई रिजल्ट निकाल लिया मैंने कंपनी का, ठीक है। ये ईयर ईयर वाई कंपनी का रिजल्ट है। तो ये देखिए, ये देखिए 2017 से लेके 2021 तक के बीच में ये देखिए प्रॉफिट जो आता है, एवरी ईयर प्रॉफिट मेकिंग चल रही है ये। 2017 में इन्होंने 39 करोड़ का प्रॉफिट लिया, 2000 मार्च में इन्होंने 96 करोड़ का, 2000 मार्च 19 के अंदर 205, 2020 के अंदर इन्होंने 220, यानी कि मार्च ये पैंडेमिक के चलते हुए थोड़ा प्रॉफिट कम जनरेट हुआ था, मगर इनका जो नेट प्रॉफिट आता है ये देखिए ये माइनस में है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन रेज करता है ये माइनस में क्यों आ रहा है, क्या वजह है, ये समझते हैं। इसका EPS भी डाउन जाता है, ठीक है, टैक्सेबल भी इसका डाउन जाता है। तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। कंपनी क्या कर रही है, कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है। और कंपनी एवरी क्वार्टर 10-15 नए स्टोर ओपन करती है, 10-15 नए स्टोर ओपन करती है। तो उसमें जितना भी रेवेन्यू प्रॉफिट जनरेट होता है वो अपने नए स्टोर में लगा देती है, क्योंकि कंपनी को भाई जब हम अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे, जब ज़्यादा स्टोर होंगे और ज़्यादा आउटलेट होंगे, ज़्यादा क्राउडिंग होगी, ज़्यादा सेल्स भी तो होगी, क्योंकि ये तो चेन सिस्टम है। जितने जिसके ज़्यादा जितने रेस्टोरेंट होंगे उतने ही ज़्यादा इनके प्रॉफिट होते, उतने ही ज़्यादा इनके रेवेन्यू जनरेट होगा, उतने ही ज़्यादा इनकी कंपनी ग्रोथ होगी। तो कंपनी की जो, ठीक है, इसी वजह से कंपनी ने और पैसा अर्न करने के लिए मार्केट में आईपीओ लाई थी और पैसा निकाला मार्केट से। तो कंपनी का जो मैनेजमेंट का जो इंटरव्यू था जी बिजनेस में मैंने देखा था, जो उसमें काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था। कंपनी ने काफ़ी अग्रेसिवली बोल रही कि भाई आने वाले 2022 मार्च तक हम लोग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होगी, ठीक है। ये जैसे कि तो नेट प्रॉफिट इनका माइनस में रहेगा, प्रॉफिट में बदल जाएगा, तो कंपनी का जो शेयर है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रेंड की तरफ भी भागेगा। तो ये देखिए आप समझ आ गया ना आपको कि कंपनी का क्यों डाउनफॉल पर चल रहा था, कंपनी का शेयर क्यों एकदम से गिरा लिस्टिंग के बाद, ये और भी समझते हैं, ठीक है। कंपनी जो नेट प्रॉफिट माइनस में दिखा रही है ये, तो इसके एक ही रीज़न है, कंपनी अपने नए नए आउटलेट खोल रही है एवरी क्वार्टर, यानी कि हर क्वार्टर में 10-15, 15-20 नए स्टोर ओपन करती है। पैंडेमिक के चलते भी इन्होंने अपने स्टोर ओपन करे हैं, इसीलिए इंडिया का लार्जेस्ट यम फूड फ्रेंचाइजी ब्रांड है ये, ठीक है। अब देखिए मैं इसके साइड ये मैंने चार्ट ओपन कर लिया जिस दिन से रजिस्टर्ड हुआ, ज़्यादा तो चार्ट बना नहीं है, जितना भी उससे समझाता हूँ मैं आपको। ये देखिए फर्स्ट डे ही आपको ये दिखाया था 141, इसने 50% 56% की तेज़ी के साथ ये हुआ था ये फर्स्ट डे ही, ठीक है।
तो अब ये समझते हैं कि इसका और क्या है। तो ये देखिए, अगर ये गिरता है तो ये डाउन जो जाएगा 107 रुपये पर फिर सपोर्ट लेगा ये। तो हमें इसमें वेट एंड वॉच रखना है। तो पहला हमारा जो वेट एंड वॉच रहेगा वो आएगा 112 रुपये पे सपोर्ट लेगा, ठीक है। 112 तक के लेवल का हमें वेट करना है, क्योंकि इसमें अभी और गिरावट आएगी। ये 100 रुपये से नीचे 112 तक आएगा ये, जैसे ही 112 आएगा 100 रुपये से नीचे नहीं जाएगा शेयर ये। तो हमें 100 रुपये से इस लेवल पे से बाय करना है। 100 रुपये के लेवल से बाय करेंगे और मार्च ईयर में जब भी रिजल्ट आएगा इसका, क्वार्टर वार्टर, अब जो नेक्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आएगा इसमें 100% प्रॉफिट मेकिंग होगी इसका, क्योंकि पहला क्वार्टर रिजल्ट घोषित करेगी तो उसमें अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो कंपनी का शेयर एकदम से तेज़ी तरह भागेगा, ठीक है। तो हमें एक दो दिन का ट्रेडिंग सेशन और लेना है इसके अंदर। तो इसमें गिरावट होगी तो गिरावट के साथ हमें सब बाय करना है। तो पहला लेवल जो इसका गिरावट का आएगा वो आएगा 112 रुपये पे तक। ये दिखा रहा है कि मैं 112 तक गिर सकता हूँ चार्ट के अकॉर्डिंग, समझते हैं जितना भी चार्ट अभी बुलिश ट्रेंड हुआ है। तो 112 से लेके 107 से लेके 112 के बीच में हमें बाय करना है, ठीक है। 115 तक भी मिल जाए तो डेफिनेटली इसमें बाय करके पैसे बने रहना है। तो इसमें जो पहला टारगेट मेरा है थोड़ा सा, तो पहला टारगेट आएगा मेरा 130 का, शॉर्ट टर्म के बता रहा हूँ। दूसरा टारगेट मेरा आएगा 150 रुपये का, और तीसरा टारगेट मुझे 200 तक का कोई डेफिनेट नहीं है कि अगले मार्च ईयर का रिजल्ट आएगा तो ये 200 तक भी अब ट्रेंड की तरफ दिखेगा मेरे को, ठीक है। 200 तक के लेवल के लिए हमें बाय करना है, पेशेंस बने रहना है और होल्ड रखना, क्योंकि ये शेयर डेफिनेटली मल्टी बैकर घोषित होगा और डेफिनेटली शेयर मल्टी बैकर बनेगा। तो अपने पोर्टफोलियो में से ऐड करके जरूर रखिएगा, चाहे छोटी क्वांटिटी लेके चाहे बाय करके जरूर रखिएगा। आई होप ये वीडियो आपकी यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।